अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, हर तरह की बीमारियों और परेशानियों से बचाए, आमीन। और जी चलिए आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। और आज है हमारा 13वां रोज़ा। और जी ये आज है हमारा 13वां रोज़ा और अल्लाह पाक हमारे रोज़े कबूल करे। और बस ये था शाम दिन का टाइम 3 बजे का। और जी मैं आ गई किचन में और आज कुछ नया ट्राई करने का दिल कर रहा था, कुछ अच्छा बनाने का। रोज़ यही होता है कि कुछ अच्छा बनाऊँ, कुछ नया ट्राई करूँ, अच्छा लगे अफ्तारी करने के लिए। तो बस यही कुछ इसी कोशिश पर लगी रहती हूँ। तो आज मैं बना रही थी कॉर्न जो है, कॉर्न समोसा टाइप कॉर्न बना रही हूँ। कॉर्न में मैं सारा वो डाल के, तो मैंने लीजिए अब उसका नाम नहीं सही किया, तो जो है ना इसके लिए मैंने मैदा गूंद लिया था। तो उसको अच्छे से सबसे पहले गूंद के तो मैंने रख लिया था। और जी आज मैं सालन बनाऊंगी चिकन का, थोड़ा सा ग्रेवी वाला, क्योंकि सूखा बहुत भुजा हुआ सालन खाने नहीं होता। तो बस और साथ में ये चिप्स बना रही थी, इसमें इसके लिए बैटर तैयार करी थी बेसन का, और उसमें काली मिर्च, नमक और कुटी लाल मिर्च और जो है ना ये अजवाइन मैंने डाल के इसका पेस्ट बना लिया था। और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके मैंने रखा दिया था। और फिर जी साथ में बनाने लगी थी सालन। और सालन के लिए मैंने ऑयल ले लिया था, 1/2 कप ऑयल था। और जो है ना इसमें प्याज मैंने डाल के, तो इसको अब मैं लाइट ब्राउन करके इसमें लहसुन डाल दूँगी। और लहसुन डालने के बाद इसको अच्छी तरह से पका के 1-2 मिनट तक, तो फिर मैंने इसमें टमाटर का पेस्ट बना लिया था ताकि मसाला बनाने में आसानी हो। तो फिर बस उसका पेस्ट बना के इसमें मैंने मसाले ऐड कर दिए थे, सूखे नमक, रेड लाल मिर्च पाउडर और हल्दी आधा 1/2 टीस्पून मैंने डाल दी थी। और इसको अच्छी तरह से भून लिया था। एक ये है मसाला मेरे साथ, और ये मैंने अभी मसाला तैयार हो गया था। और मुझे पता क्या, आजकल मुझे वो अच्छा नहीं लग रहा गर्म मसाला, मसाले मुझे अच्छे नहीं लग रहे। मैंने ये गर्मी हो गई है रमज़ान में, तो बस सिंपल सा मसाले डाल के मैं हांडी बना लेती हूँ। फिर इसमें चिकन डाल के इसको भून के इसको दम दे दिया था। और जी मेरा चिकन अच्छी तरह से भुज गया था, तो फिर मैंने इसमें थोड़ा पानी डाल के ना इसको रख दिया था कि ये तो अच्छी तरह से पक जाए सालन इसका। तो फिर बस ये मेरा सालन तैयार हो गया था। और बस इसमें मैंने हरा धनिया और हरी मिर्ची डाल के इसको मैंने बंद कर देना है चूल्हे को। ये मेरा सालन हो गया था तैयार, और ये मैंने बंद कर दिया था चूल्हा। और फिर ये आलू मैंने बॉईल कर दिए थे, बंद गोभी थी, मटर थे। और ये मैं आज बनाने लगी थी वो कॉर्न, इसको कॉर्न में जो है बैटर डालूंगी, कॉर्न बनाऊंगी मैदे की रोटी का, और उसमें ये बैटर डालूंगी और फिर बनाऊंगी इसको। समोसे की तरह ही होता है पर इसका नाम कुछ और है, मैं लेके तो उसमें लिखूंगी टाइटल में। और ये इसमें इसको मैंने गरम थोड़ा सा जीरा डाल के मैंने ऑयल में उसका गरम किया, और फिर पहले मटर डाले थे, और फिर जो है ना बंद गोभी डाल के इसमें नमक, काली मिर्च और कुटी लाल मिर्च और पीसी लाल मिर्च और ये सब कुछ डाल के मैंने अच्छी तरह से इसको पका लिया था। ये सोते हो गया था, मैं सब्जियाँ गल गई थी। और फिर जो आलू को मैंने मैश कर लिया था, और मैश करके अब इसमें मैं डाल के इसको मिक्स करूँगी 2 मिनट तक, तो फिर बस ये मेरा बैटर तैयार हो जाएगा। बहुत मज़े का बना था, फर्स्ट टाइम ट्राई किया था, अच्छा एक्सपीरियंस रहा। पर थक बहुत जाती हूँ, बहुत टाइम लग जाता है किचन में इतनी देर खड़ा रहने से। और ऐसा आप प्लीज़ मेरी वीडियो को जो है ना सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब मैं आ गई थी इसको रोटी के बनाने के लिए। रोटी पहले इसकी हमें बनानी पड़ती है, रोटी इसको हमने बेलना है अच्छी तरह से। इसको बेल के हमने फ्राई पैन में इसको जो है ना थोड़ा एक साइड जो है हल्की सी इसको जो है ना बस ये गरम जैसे करना हो, ताकि ये हमारे जहाँ पे हम इसको रखें ये वहीं पे रहे। ये बहुत आसान तरीका है वैसे। ये देखिए एक साइड को बस हमने हल्का सा यूँ बस गरम करना है। ये देखिए अब ये रोटी हमारे जो है ना इस तरह हो गया कि हम इसको जिस तरह से भी जहाँ पे रखेंगे ये वहाँ पे ही हो जाएगी।
और यहाँ पे स्पून दरमियान से कट लगा लेंगे, दो पीस कर लेंगे। और इसकी अब हम बनाएंगे इस तरह से कोन। बहुत ही आसान था। ये जी हो गई है मेरी कोन तैयार। इसको जो है ना इसका मैदे का पा मैदे जो है ना घोल के ना वो इस पर यहाँ पे लगा देंगे साइडों पे, ताकि इसकी साइडें आपस में चिपक जाएं। और ये यहाँ से हम दबा के ना इसको बंद कर देंगे और ये हो जाएगी तैयार। और आप हम इसमें मसाला भर देंगे अच्छी तरह से। इसमें मसाला भरना है, खूब सारा मसाला इसमें भरेंगे, तब मज़ा आएगा खाने में भी। बहुत मज़े के बने थे, आप भी ट्राई करना। मैंने भी फर्स्ट टाइम ट्राई किए थे। ये जी हो गया। फिर मैंने इसको जो है ना मैदे में एक बार डिप कर लिया था ऐसे। और फिर मेरे पास सेवई है, वैसे ये सेवई में डिप करना था, मेरे पास सेवई नहीं थी इसलिए मैंने ब्रेड क्रम्स थे मेरे पास, तो मैंने उसमें डिप कर लिया था। और फिर इसका करके जो है ना मैंने कॉर्न बना ली थी, तकरीबन 8 मैंने बनाई थी। और इसको अब मैं फ्राई कर रही हूँ। और हल इसको काफ़ी देर लगा तक हमने फ्राई करना, ताकि अंदर तक इसकी जो है लेयर सही अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। और ये देखिए 10 मिनट तक, 5 से 10 मिनट तक तो हमने इसको फ्राई किया ही है। तो ये बहुत में ज़बरदस्त फ्राई हो गई थी, अंदर तक ये पक गई थी। साथ में मैंने चिप्स भी जो है ना फ्राई में डाल लिए थे। और मुझे काफ़ी टाइम लग गया था, पता ही लगा रोज़ा खुलने का टाइम आ गया था। और बड़ी मुश्किल से ये तैयार किया। और साथ में चिप्स बना लिए थे। चिप्स बनाने के बाद फिर मैंने जल्दी जल्दी जो है ना पानी बनाया था, क्योंकि पता ही लगा कि रोजे का टाइम आ गया था। आज हमने दूसरी तरह से चिप्स का, वैसे हम गोल का आलू काट के तो उसका साइज़ गोल करके तो फिर हम इसको आलू के पकौड़े बनाते हैं। आज दिल कर रहा था कि इस तरह से चिप्स टाइप बनाऊं पकौड़े, तो आटे का सरसों बना लिया था जल्दी जल्दी, क्योंकि टाइम बहुत कम था। और बस यही था आज हमारी सिंपल सी अफ्तारी। और बस फिर अफ्तारी का टाइम आ गया, हम सब दस्तरखान पे बैठ के और अफ्तारी की। और बस यही थी आज के मेरी वीडियो। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।